सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य अपनी स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य जरूरतों के लिए वनस्पतियों पर निर्भर रहा है। अनादिकाल से ही भारत में वनस्पतियों और उनसे बनने वाली औषधियों के प्रति जानकारी और जागरूकता रही है। ये सर्वविदित है कि चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, योग और तिब्बती प्रणाली आमची यहाँ हमेशा से प्रयोग में आती रही है। यहाँ के लोग सदियों से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में इन औषधीय पौधों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मखमली हरित जंगलों की ओढ़नी ओढ़े, आकाश छूते ये सीधे खड़े पहाड़ सुरम्य वादियों में खो जाते हैं। नम पौधों की कंध लिए मंद बहती हवा में इन विशाल पहाड़ों में बसे गांवों में सादगी का जीवन जीते लोगों का जीवन संगीत गूंज उठता है। सरू का डांडा माजी लग दिडर कूदेंदु पारण माजी तेरा बगर घर मो बैठी रंदी माजी नन देजी कानी जब गोने बे आंदू माजी तब लंदू पानी से सरू का डांडा माजी लग दिडर सभ्यता की मुख्य धारा से दूर पृथ्वी के इस दूरस्थ इलाकों में रहते ये आदिवासी लोग इन जंगलों पर ही निर्भर हैं, जो इन्हें जीवन की हर आवश्यकता उपलब्ध करवाते हैं। जंगल का विविध और संपन्न वनस्पति जीवन इन्हें भोजन, पशुओं के लिए चारा, घर बनाने की सामग्री, दैनिक उपयोग के यंत्र, औजार, कपड़े की सामग्री और औषधियां उपलब्ध करवाता है। प्रकृति को समीप से जानने वाले इन लोगों ने सदियों से ही पेड़ पौधों के अनेक रहस्यों का पता लगाया। हम शहरी लोगों को जो एक छोटा सा पौधा या बेकार सी झाड़ी प्रतीत होता है, वो वास्तव में एक ऐसा महत्वपूर्ण औषधीय पौधा हो सकता है जिसमें रोगों के उपचार करने की अद्भुत क्षमता हो। मानव हजारों वनस्पति प्रजातियों को जानता है। ये न सिर्फ रूप में बल्कि अपने छिपे हुए जैव रसायन गुणों में विविध होते हैं। ये पौधे आम रूप से भारी संख्या में रासायनिक अणु उत्पन्न करते हैं, इतनी भारी संख्या में कि कोई भी मानव सर्वोत्तम प्रयोगशाला में भी पैदा करने की सोच ही नहीं सकता। सच तो ये है कि मानव अभी तक पौधों द्वारा पैदा किए गए ज्यादातर रसायनों का संश्लेषण तक नहीं कर पाया है। कॉफी से मिलने वाली कैफीन, तंबाकू से मिलने वाली निकोटिन और चाय से थियोफाइलिन पौधों द्वारा पैदा किए गए ऐसे ही रासायनिक तत्व हैं। पौधों के रसायनों से हम जीवन रक्षक औषधियां बना सकते हैं। पौधों के सत से हम इतना तेज विष पा सकते हैं कि तीर के नोक पर लगा ये विष सबसे खूंखार जंगली जीव का भी अंत कर डालता है। लेकिन यदि इसी विष का सावधानी से प्रयोग किया जाए तो ये कीटाणुओं को मारने और अनेक बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद कर सकता है। पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिक समुदाय औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों में दिलचस्पी लेने लगा है। आदिवासी लोगों, उनके पर्यावरण, जीवन शैली के साथ इन आदिवासी लोगों के आसपास के वनस्पति जीवन का अध्ययन भी आ जुड़ा है। मानव संस्कृति पर वनस्पति के प्रभाव समेत
इंसान और पौधों के आपसी संबंधों का अध्ययन, मानव संबंधी वनस्पति शास्त्र के बीच आपसी अनुशासन क्षेत्र का केंद्र बिंदु बन गया है। भारत के कई इलाकों में 50 से ज्यादा विभिन्न जनजातियां बसी हुई हैं। ये लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां बहुत संपन्न जैव विविधताएं पाई जाती हैं। इन्होंने परंपरागत रूप से अपने को घेरे और अपनी पालक जैव विविधताओं के बारे में बहुत ज्ञान अर्जित किया है। भारत में 9,500 से ज्यादा ऐसी वनस्पति प्रजातियां हैं जिन्हें ये जनजातियां अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करती हैं। इनमें से करीब 7,500 प्रजातियों का इस्तेमाल औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं जैसी पारंपरिक औषधीय प्रणालियों ने इन जनजातियों द्वारा लंबे समय से अर्जित ज्ञान और बुद्धि का काफी फायदा उठाया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में औषधीय पौधों के स्वास्थ्यकारी और उपचारजनक पक्षों को उजागर किया गया है। पहाड़ों पर चलते हुए हम एक ऐसी पौधशाला दिखाई पड़ती है जहां वैज्ञानिक विशेष उद्देश्य से औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां उगा रहे हैं। इनमें से कुछ अहानिकारक और बहुत साधारण दिखते हैं जबकि अन्य बहुत ही विजातीय और अद्भुत दिखाई देते हैं। प्रकृति में इस प्रकार के अनोखे पौधे छाए हुए हैं। ये उन पौधों की कहानी है जिनमें से मूल्यवान आयुर्वैज्ञानिक औषधीय यौगिक निकाले जा सकते हैं। ऐसा एक पौधा है अश्वगंधा, जिसे हम वनस्पति शास्त्र में विथेनिया सोमनिफेरा के नाम से भी जानते हैं और इसका परिवार है सोलेनेसी। तोरी के बीज वाला ये पौधा, जिसकी टहनियां आपस में आड़ा तिरछा होते ताराकार बालों से ढकी होती हैं, इसके छोटे फनाकार बालदार पत्ते होते हैं और इसके फल सरस फल जैसे दिखाई देते हैं। यही है वो सुप्रसिद्ध अश्वगंधा पौधा। अनोखी बात यह है कि इस पौधे के हर भाग का औषधीय उपयोग है। इसके तने में प्रोटीन रेशे, एमिनो एसिड, टैनिंस, स्वाद देने वाले तत्व फ्लेवोनॉइड्स, चूना यानी कैल्शियम और लौह यानी आयरन होते हैं। इसके पत्तों में क्षाराब यानी एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकोज और एमिनो एसिड होते हैं। इसकी जड़ों में विटामिनॉन, विजामिन, विथानियोल, हेंट्रियोकॉन्टेन, फाइटोस्टेरोल और आवश्यक तेल निकाले जा सकते हैं। ये दर्दनाक सूजन, अल्सर यानी फोड़ों, कार्बंकल रोग, मानसिक रोगों, श्वेत फुल्ली यानी ल्यूकोडर्मिया और तपेदिक का इलाज करने के काम आते हैं। ये सांस प्रणाली संबंधी तकलीफों, हृदय रोग, मांसपेशी प्रणालियों और वायु की समस्याओं के उपचार में भी मदद करते हैं। ये भारत के समस्त शुष्क भागों, बेकार भूमि तथा मेढ़ों आदि पर अक्सर पाया जाता है। झाड़ी नुमा आकार के इस पौधे की लंबाई 30 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इस पौधशाला में हमें लॉन्ग पेपर पौधा यानी पिपली भी मिलता है। इसका व्यापारिक नाम आम अंग्रेजी नाम पेपर पर आधारित है। पादक यानी पाइपरेसिया कुल का यह पौधा एक दुबला पतला पौधा है। इसे लॉन्ग पेपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बालियां अधिक लंबी होती हैं, जो इसे वंश की ज्यादा महत्वपूर्ण प्रजाति पी निग्रम एल से जुदा करती है। इसके फल गोल होते हैं।
कुछ प्रारंभिक साहित्य में लॉन्ग पेपर को मगधी नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था कि ये उत्तर बिहार के मगध प्रदेश का स्थानीय पौधा था। ये जमीन पर फैला और लताओं की भांति चढ़ता खुशबूदार पौधा होता है। इसके निचले पत्ते 6 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये चौड़े और गहरे तांबुलाकार होते हैं। ये सभी गहरे हरे रंग के और ऊपरी सतह पर चमकदार और नीचे पीलापन लिए होते हैं। अनुपण सुस्पष्ट होते हैं और 1.3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, लेकिन जल्दी ही गिर जाते हैं। ये पौधा भारत के अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में अधिक पाया और उगाया भी जाता है। लॉन्ग पेपर पौधों के सूखे फलों से बनती है। ये एक स्वास्थ्यवर्धक है और नसवार की भांति उपलब्ध होती है। इसे जोड़ों के दर्द और पक्षाघात में मलहम की तरह भी लगाया जाता है। कच्चे सूखे फलों से बनाया गया काढ़ा तेज श्वसनी शोथ में उपयोगी होता है। पके फल सुगंधित होते हैं। ये भूख बढ़ाने वाले और वातहर भी होते हैं। इसके पत्तों और फलों की प्रति जैविक गतिविधि पर भी परीक्षण हुए हैं। तो आइए जानें कुछ गुण ब्राह्मी के बारे में। ब्राह्मी, जिसे वनस्पति विज्ञान में हम बकोपा मोनियरी के नाम से भी जानते हैं, ये स्क्रोफुलेरिएसिया परिवार से संबंधित है। ये बूटी जमीन पर फैलती है और इसका तना और छोटे पत्ते काफी गूदेदार होते हैं। इसके तने की गांठों पर भी जड़ें उगती हैं। इसके फूल पत्ते के स्तंभ पर उगते हैं और दिन तक सीमित रहते हैं। 5 बाह्य दल में से एक बाकी 4 से बड़ा होता है। कोरोला यानी दल पुंज नीलापन लिए सफेद होता है और लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये बूटी भारत में हर जगह पानी की धाराओं, कुओं, सींचे गए खेतों जैसे नम स्थानों पर पाई जाती है। ब्राह्मी औषधि में पूरा पौधा शामिल होता है। तंत्रिका संबंधी अव्यवस्थाओं, जिसमें बेहोशी या ऐठन भी आ जुड़ते हैं, दिमागी बीमारियों, कब्ज और मूत्रवर्धक के रूप में दी जाती है। इसके पत्तों का रस नवजात शिशुओं को ब्रोंकाइटिस यानी श्वसनी शोथ में दिया जाता है। पेट्रोलियम के साथ इसके पत्तों का रस मिलाकर रिमेटिज्म यानी गठिया के स्थान पर मला जाता है। खांसी से पीड़ित बच्चों की छाती पर उबाले गए पौधे की पुल्टिस बांधी जाती है। इस पौधे को रक्त शुद्ध करने वाला भी माना गया है। इस पौधे से निकाले गए मादक सत्य के शांत करने वाले प्रभावों का जानवरों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। पौधे में एक एल्कलॉइड यानी क्षाराब ब्रह्मीन होता है, जो हृदय के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, यानी हृदय को ताकत और स्वास्थ्य दोनों देता है। कुथ यानी वनस्पति विज्ञान में इसे हम सासेरिया लापा क्लार्क के नाम से जानते हैं। इसका परिवार कंपोजिटी होता है। ये एक ऊंची 2 मीटर तक लंबी 12-मासी जड़ी बूटी होती है। पंख नुमा डंठलों पर उगे निचले पत्ते बड़े होते हैं, ऊपरी पत्ते छोटे होते हैं और डंठलीय हो सकते हैं। इन पत्तों के आधार में 2 छोटी पिंडिकाएं तनों से लगभग चिपकी सी होती हैं। नीले जामुनी या लगभग काले फूल करीब 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और फूलों के सिरों तक सीमित होते हैं। फूलों के कुछ गुच्छे पत्तों के स्तंभों या तनों के शिखर पर भी पाए जाते हैं। फलों के बाल 1.7 सेंटीमीटर तक लंबे और घने होते हैं और फलदार फूलों को एक अनोखा घना आकार प्रदान करते हैं। ये पौधा कश्मीर और इसके आसपास 2,500 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और हर वर्ष लगभग 7,000 क्विंटल जड़ों का उत्पादन देता है। इसकी सूखी जड़ों में ही औषधि होती है। यह औषधि एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी और कीटाणुनाशक होती है।
ये श्वसनी शोथ, दमा, वायु विकार और कुछ हृदय संबंधी विकारों में उपयोगी होती है। ये मूत्रवर्धक भी होती है। चूंकि इसमें अनैच्छिक मांसपेशियों को शांत करने के गुण होते हैं, परीक्षणों से मालूम पड़ा है इसका टिंचर यानी रंजक द्रव्य श्वसनी रोग में ज्यादा उपयोगी होता है। अतीस, जिसे हम वनस्पति विज्ञान में एकोनाइट के नाम से जानते हैं, असल में रेनुनकुलेसिया परिवार से ये संबंध रखती है। एकोनाइट यानी अतीस औषधि पौधों की गांठदार जड़ों से बनती है। ये दवा लंबे समय से प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें अनेक मादक और विषैले तत्व होते हैं। एकोनाइट हेट्रोफिलम यानी अतीस बूटी पश्चिमोत्तर हिमालय में 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाइयों पर पाई जाती है। इन प्रजातियों से मिलने वाली औषधि मादक नहीं होती और बुखार और उसके बाद की कमजोरी, अतिसार और पेचिश के उपचार में काम में आती है। एकोनाइट्स में पाए जाने वाले क्षाराभ बहुत विषैले होते हैं और अगर इसे ठीक से नियंत्रित मात्रा में न दिया जाए तो इसके खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। इस औषधि का मुख्य उपयोग न्यूरेल्जिया यानी तंत्रिका शूल जैसी बीमारियों में शरीर पर बाहर से मलहम की तरह लगाने में किया जाता है। आइए अब जानते हैं रवोल्फिया सर्पेंटिना के बारे में, जिसे सर्पगंधा के नाम से भी जाना जाता है और इसका परिवार है एपोसिनेसिया। रवोल्फिया शब्द 16वीं शताब्दी के जर्मन वनस्पति शास्त्र और चिकित्सक लेनर्ड रिवोल्फ के नाम से जुड़ा हुआ है। ये चिकना सीधा खड़ा 70 से 75 सेंटीमीटर लंबा पौधा होता है। इसके पत्ते चक्करदार 8 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके फूल करीब 1.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिनकी पंखुड़ियां गुलाबी या सफेद होती हैं। पुष्पावली वृंत गहरे लाल रंग के और झुंडों में होते हैं। फल छोटे और गोल होते हैं और पकने पर गहरे जामुनी या काले निकलते हैं। ये पौधा लगभग 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर भारत के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। ये बंगाल के मैदानों, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में भी पैदा होता है। अब इस पौधे की खेती भी की जा रही है। इसकी औषधि सूखी जड़ों और तने की छाल से बनती है, जिन्हें 3-4 वर्ष की उम्र के पौधों से शरद के मौसम में उतारा जाना श्रेयस्कर होता है। माना जाता है कि ये पौधा भारतीय औषध शास्त्र आयुर्विज्ञान में 4000 वर्षों से प्रचलित है। चरक के ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसकी जड़ों में कई क्षाराभ पाए जाते हैं। इस औषधि का मुख्य उपयोग तनाव कम करने, नींद लाने और रक्तचाप घटाने में किया जाता है। ये हल्के तनाव को दूर करने में ज्यादा सहायक है, पर श्वसनी शोथ, दमा या वायु की बीमारी से पीड़ित रोगियों को यह औषधि नहीं दी जानी चाहिए। इस पौधे की जड़ें आंतों की बीमारियों और बुखार में भी काफी उपयोगी होती हैं। और सर्पगंधा को 1 एकड़ जमीन में उगाकर हम करीब 6 से 7 क्विंटल औषधि प्राप्त कर सकते हैं। पौधों की जानकारी के साथ साथ उसकी सही पहचान भी आवश्यक है, क्योंकि ये इसके औषधीय गुणों को संयोजित करने की दिशा में पहला कदम होता है। इसकी पूरी क्षमता बनाए रखने के लिए इसका सत्य निकाले जाने के बारे में बारीक और व्यापक जानकारी होना भी जरूरी है। औषधीय पौधे से निकाली गई औषधि के उपयोग के बारे में भी जानकारी और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। पीढ़ियों से चली आ रही जानकारी को अब आधुनिक वैज्ञानिक शोध से जोड़कर इन जीवनदाता पौधों का रहस्य जानने में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और संभव है कि ये औषधीय पौधे निकट भविष्य में भी आज के मानव को परेशान करने वाली घातक बीमारियों में से कुछ का रोग निवारक उत्तर दे पाएं।